बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक मुंडा पांडे के गांव खबड़िया बूर पहुंची। ग्राम प्रधान श्रीमती रानी सचिव इंतजार हुसैन के द्वारा गांव में काफी विकास कराया गया है। कोरोना संक्रमण के चलते भी ग्राम प्रधान द्वारा ग्रामवासियों की काफी मदद की गई है। किस तरह से उन्होंने गांव को सजाया है, आइए जानते हैं प्रधान प्रतिनिधि की दुकान। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक मुंडा पांडे की खगड़िया बूर ग्राम पंचायत में। यहां प्रधान द्वारा अब तक इन 4 सालों में काफी विकास करवाया जा चुका है, साथ ही अभी लॉकडाउन के दौरान महामारी के दौरान में भी यहाँ लोगों की काफी मदद की गई है, जिसकी पूरी जानकारी हम यहाँ प्रधान प्रतिनिधि से लेकर आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। प्रधान जी तो यहाँ मौजूद नहीं है, सतनाथ सामने आप प्रतिनिधि हैं। आप हमें बताइए कि 4 साल के कार्यकाल में प्रधान जी ने गांव में किस किस तरह की सेवाएं हम लोगों को दी है। बहुत अच्छी सेवा दी है प्रधान जी ने, ऐसा काम कराया तो आज प्रधान ने ऐसा किया ही नहीं। पहला प्रधान है ऐसा जो गरीब परिवार का प्रधान है और सब जनता के साथ जीत रहते हैं। ये हमारे छोटे भाई हैं और ऐसा काम किया कि ये जो रास्ता है पीछे वाला, ये कभी किसी ने नहीं बनवाया और ये यहाँ खांचे में लोग जाते थे और ये पूरा रास्ता आर पार गाँव का बाहर से निकलवाया, किसी प्रधान ने नहीं कराया। मतलब जो यहाँ गंदे रास्ते कच्चे रास्ते थे वो सब यहाँ ये जो रास्ते पे हम तो बैठे हैं, ये कभी किसी प्रधान ने नहीं कराया ना करा था कभी भी। पूरी जनता को परेशानी थी लेकिन उन्होंने ये कराया और सब और हर काम उन्होंने कराया और हर हर पब्लिक जैसे जो सरकार की योजनाएं चलती हैं, सरकार ने जो मुफ्त में सिलेंडर भी दिए हैं, बिजली कनेक्शन भी दिए हैं या पेंशन वगैरह लोगों को मिली, तो ये सब गांव में सबको मिल रहा है। सबको मिल रहा है गांव में। और प्रधान जी ने इतनी कॉलोनी बनवाई है कि अभी तक किसी ने नहीं बनाया। पहले प्रधान ने 22 कॉलोनी खाईखेड़ में भिजवा दी पैसों के कारण, लेकिन इन प्रधान जी ने सबके 3.5-3 लाख की और 1.5-1.5 लाख की और 2-2 लाख की 55 कॉलोनी बनवा दी और पूरा गांव पक्का कर दिया। 85 और अभी 115 कॉलोनी और भेज दिए। इसी बात पर रात दिन तो कोई कच्चा रास्ता गांव में नहीं बचा हुआ या भी है। 2-1 रास्ते खरीदो पे है वो एकदम काम उसमें जुड़ा हुआ है। जी बाकी पूरा गांव पक्का करा दिया। स्कूल में क्या क्या काम करवाए? स्कूल को चमका दिया, फर्श कराए हैं और ये कलर कराए हैं, सब काम बिल्कुल चौक करा दिया। पानी वगैरह की जी गांव की पूरी तब्दीली बदल दी साहब ने 4 साल काफी अच्छा है। जी तो स्कूल में क्या क्या काम यहाँ करवाया? टैक्स लगवाई है, कलर कराया, बेंच लगवाई है और सब काम कराए हैं इनको चौक कराया। आप जैसे ये 2 महीने लॉकडाउन रहा है और महामारी फैली हुई है, अभी भी फैली हुई है, तो गांव में आपके कई परिवार ऐसे होंगे गरीब जिन्हें राशन पानी की या कामकाज की तो खैर दिक्कत सभी को है, लेकिन राशन पानी की भी कई परिवारों को रही है, उनके लिए क्या प्रधान जी ने यहाँ मदद की है, किस तरह के कदम उठाए? जी हाँ, उनसे ये कह दिया जितने भी परेशानी हो मेरे घर पर आओ और मैं तुम्हारे हर वक्त तैयार हूँ, मदद की भी है। हाँ, लेकिन खुलासा नहीं किया। साफ सफाई की व्यवस्था कैसी करवाई? बहुत अच्छी, 2 आदमी हर वक्त लगे हुए नालियों में और जो साफ सफाई करे शाम को आते हैं वो अपने पिता का पैसे लेगा। सैनिटाइजर वगैरह करवाया? जी जी जी, दवा छिड़ा पाई है पूरे गाँव। राशन को लेकर तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, सभी परिवारों को राशन पूरा मिल रहा है? हाँ, सभी परिवार मिला, कुछ कोटे पर ऊंची नीची बात करते हैं वो लोग, उसमें तो प्रधान जी अपना जो है योगदान देते होंगे। जी जी, वो कहते हैं पूरा जी, किसी को अगर परेशानी है तो प्रधान जी उसे। जी। तो अब यहाँ पर जो है संक्रमण जैसे फैला हुआ है, क्या गांव में भीड़ भाड़ इकट्ठी या इस तरह का कुछ है गांव में, जैसे बाहर से लोग आए हैं और उसकी जांच हुई है नहीं हुई है, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है आपकी ग्राम पंचायत में? ना, जांच क्या है, बस तो चतरा वाली है हमारा, तो उनने नाम लिख के ले गई थी आशा। हाँ, तो अब तो चित्रे जा रहे हैं, तो वो एक बार चुनो ले गई है, तो वो सब काम सही है। अभी इस गांव में क्या समस्याएं ऐसी बाकी हैं जिसके लिए, मतलब आप एक जनता भी हैं और प्रधान प्रतिनिधि भी हैं, क्या परेशानियाँ ऐसी दिखाई देती हैं जिसके लिए चाहेंगे कि अभी गाँव में होना चाहिए? अब तो कोई परेशानी ना, और जो तो जैसे कि बारात घर, पंचायत घर या सरकारी अस्पताल नहीं हो आसपास में। हाँ, या आगे प्रधानमंत्री घूर पड़े हमारे यहाँ, इन्हें सही करके पार्क बनवा देंगे और बड़ा घर बनवा देंगे उसका। अभी टाइम जितना मिला इतना काम करा और अल्लाह चाहे तो फिर जीतने ही कगार पे। अस्पताल है यहाँ गांव में? अस्पताल नहीं है। कितनी दूर है अस्पताल यहाँ? अस्पताल है 4 किलोमीटर मुंडा पांडे। मुंडा पांडे में उसके पहले कोई सरकारी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र कुछ भी नहीं? ना ना, ना। जैसा कि आपने देखा प्रधान प्रतिनिधि से हमने यहाँ बातचीत की है, 4 सालों में काफी विकास यहाँ करवाया जा चुका है, गरीबों की मदद भी काफी हद तक प्रधान द्वारा यहाँ की गई है, राशन को लेकर भी, बीमारी को लेकर भी, और इसके साथ ही स्कूल में भी काफी अच्छा यहाँ सौंदर्यकरण करवाया है, सड़कें, टाइल, सुनामी निर्माण ये सब यहाँ करवाया गया है। काफी हद तक ये गांव विकास के चरम सीमा पर है, लेकिन इसके साथ ही अगर समस्याओं की तरफ नजर करें तो कुछ समस्याएं अभी
अभी भी यहाँ बाकी है, जैसे कि बारात घर यहाँ पर निर्मित नहीं है। इसके साथ ही स्वास्थ्य केंद्र कोई भी आसपास नहीं है, कई किलोमीटर दूर यहाँ लोगों को अस्पताल के लिए जाना पड़ता है। मोदी सरकार से मेरा निवेदन है कि वो बहुत ही कम दूरी पर, किलोमीटर या दो किलोमीटर की दूरी पर अगर स्वास्थ्य केंद्र यहाँ मौजूद होंगे, निर्मित होंगे, तो जनता को स्वास्थ्य से संबंधित जो भी परेशानी होगी उसका समाधान जल्द से जल्द मिलेगा। अशरफ अली के साथ मैं नाजरीन।